हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज का वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू मेक डुअल हॉर्न कनेक्टिंग वायर इन योर होम ओनली एट ₹25। 25 रुपये में आप कैसे अपने बाइक में डुअल हॉर्न बजाने वाला कनेक्टिंग वायर बना सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा की तरह कि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हेल्पफुल लगे तो दोस्तों में शेयर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ये वायर्स हैं। एक फीट लंबा ये ब्लैक वायर है, एक फीट लंबा रेड वायर है। सो हमें करना क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ एक वीडियो में, मतलब एक डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमारे बाइक में जो हॉर्न लगी हुई होती है, दो पहले सिंगल हॉर्न होती है हमारे पास इस तरह की, इसमें पॉइंट्स बने हुए होते हैं और ये लो टोन होती है, लो टोन हॉर्न, लेकिन इससे अच्छी आवाज़ नहीं आती है। तो हम लोग मार्केट से एक और हॉर्न खरीद के अपनी बाइक में नीचे में अटैच करवाना चाहते हैं। लो टोन वाली कंपनी शुरू में ही देती है, खास करके पल्सर वगैरह बाइक्स में, स्कूटी में भी। तो हम लोग अलग से हाई टोन वाला एक हॉर्न ले लेते हैं, हाई टोन। ये दोनों को जब मिला देते हैं, इसमें भी दो पॉइंट्स होते हैं, इसके प्लस, इसके प्लस, इसके माइनस, इसके माइनस, कुछ इस तरह से। अब हम लोग जो बाइक में कनेक्शन किया हुआ रहता है वो सिंगल केबल से डायरेक्ट ये सिंगल हॉर्न कनेक्ट किया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग को दोनों हॉर्न बजाने के लिए दोनों वायर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग किस तरह से हॉर्न वायर बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। हॉर्न वायर बनाना बहुत सिंपल है, अब इसमें मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। देखिए बाइक के नीचे जो हॉर्न होती है दोनों का डिस्टेंस करीब एक फीट का होता है, तो एक फीट का हम लोग ये ब्लैक वायर ले लेंगे और एक रेड वायर ले लेंगे, इस तरह की मोटाई वाली वायर ले लेंगे, एक स्क्वायर एमएम का ले लेंगे या 0.75 स्क्वायर एमएम का ले लेंगे। और मार्केट में इस तरह का थिंबल मिलता है, ये देख लीजिए स्पेड क्लिप कनेक्टर इसको बोलते हैं, ये गोल्डन सिल्वर किसी कलर में हो सकता है और ये इसका स्लीव होता है। ये दो पीस आपको मिल जाता है ₹5 में दो पीस, और इसका ये दो स्लीव मिल जाता है। तो हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करना है वो भी आप देख लेते हैं। पहले हम रेड वायर में कर लेते हैं, इस तरह से हम लोग रेड वायर को छील लेते हैं और इस पर इस स्लीव को हम लोग इस वायर के अंदर इस तरह से डाल देते हैं और इसको यहाँ पे रख देना है हमें। देखिए बहुत अच्छे से हम लोग इसको रख देंगे और प्लास की सहायता से या इसको दबाने की एक स्पेशल टूल आता है उसकी मदद से हम लोग इसको पंच कर लेंगे, कुछ इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से हम लोग इसको पंच कर लेंगे अच्छे से। देखिए जैसे हम लोगों ने इसको पंच कर लिया है, देखिए ये अच्छे से इसमें फिट हो गया है, ये कहीं नहीं हिलने डुलने वाला है। देखिए जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से आपको करना है, एक ये प्लस वायर में लगा देना है, ठीक है, ये प्लस की वायर होगी और एक माइनस में भी वैसे ही लगा देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से जैसा कि मैं छील रहा हूँ। इसकी एक स्लीव आती है उसको लगा देना इस तरह से और फिर इसको यहाँ पर ऐसे रख के प्लास की सहायता से ऐसे हमें दबा लेना है। देखिए मार्केट जैसा ही एकदम हो जाएगा बढ़िया, ऐसे रेडीमेड इसकी केबल भी आती है रूट्स की, हेला और मिंडा की भी, लेकिन वो ₹80 की आती है। घर में इसको बनाएंगे तो आप बहुत सस्ते में ही हो जाएगा आपका, 20-25 रुपये में ही काम हो जाएगा, क्योंकि ये जो कनेक्टर होता है ये जो मैंने अभी दो लगा दिए हैं, देखिए इस तरह से कुछ हम लोग इसको कवर कर देंगे। देखिए ये फावड़े की सेप का होता है इसलिए इसको स्पेड क्लिप कनेक्टर बोलते हैं, स्पेड की तरह दिखता है ये, देख लीजिए एक मैंने प्लस में लगा दिया एक माइनस में लगा दिया, यानी कि ये ₹5 में दो पीस मैंने इसमें लगा दिया खरीद के। अब क्या करना है, दूसरे पॉइंट पर आ जाना है, ये तो हो गया पहले हॉर्न के लिए, दूसरे हॉर्न के लिए भी हम लोग को ऐसे ही इधर छील लेना है। मेक श्योर करना है कि दोनों वायर्स आप एक फिट लंबा रखें, क्योंकि दो हॉर्न के बीच में एक फिट का गैप होता है, एक फिट का डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग ऐसे छील लेंगे और सारा ध्यान आपको इसी पॉइंट्स पर रखना है। देखिए इस पॉइंट पर भी हम लोग को ये स्पेड क्लिप कनेक्टर्स लगा देने हैं, देखिए यहाँ पर जैसे एक पॉइंट लगा दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर हमको स्पेड क्लिप कनेक्टर लगाने से पहले एक कनेक्टर और लगाना है, वो इस तरह से कुछ होगा। जैसे ये ब्लैक वायर है, निगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर, निगेटिव और पॉजिटिव वायर्स में हम स्पेड क्लिप कनेक्टर लगाने से पहले रेड में एक वायर और इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। देखिए ये आधा फिट लंबा ये तार है, इसको भी हम लोग छील लेंगे, देखिए इस तरह से छील लेंगे और अब ये दोनों वायर को आपस में रख लेंगे साथ में और इसको ट्विस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए ट्विस्ट करने के बाद सिंपल है, इस कनेक्टर को इस तरह से हम लोग लेंगे इस तरह से और इसके बीच में इस तरह से डाल देंगे, देखिए इस तरह से डाल दिया और अपना ये स्प्रेड क्लिप कनेक्टर यहाँ पे हम लोग प्लास से दबा देंगे। घर में आपका 20-25 रुपये में ये बन जाएगा, दो हॉर्न को आपस में जोड़ने वाला ये वायर मैं बता रहा हूँ बनाना, और इसको इस तरह से पंच कर देंगे हम लोग, देखिए बहुत अच्छे से हम लोग प्लास से दबा देंगे। इसलिए कोई स्पेशल टूल की हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे हमारे पास तो स्पेशल टूल है क्योंकि हम लोग को थोड़ा प्रोफेशनल काम करना पड़ता है हर जगह पर। ये देखिए इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर दिए, तो इस तरह से आपको ये वायर बना लेनी है ये वाली, इस तरह से देखिए एक कनेक्टर यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसी कनेक्टर में एक तार और ऐसे निकाल दिया है। अब इस तार में हम लोग को इस तरह का कनेक्टर लगाना है, देखिए ये एम कनेक्टर होता है,
ये जो प्लस माइनस जो आपके बाइक पे सिंगल हॉर्न से निकलेगा उसमें इस तरह का क्लिप होगा, देखिए इस तरह के क्लिप्स होंगे, एक पॉजिटिव का होगा एक निगेटिव का होगा। आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरह से दो क्लिप्स होंगे, एक पॉजिटिव का निगेटिव का। तो जब आपको ये पॉजिटिव जोड़ना होगा तो आपको इस तरह का टर्मिनल, ये एम कनेक्टर होता है, मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक शॉप या जहाँ पर बाइक वगैरह की बैटरी या एक्सेसरीज मिलती है वहाँ पर मिल जाता है, उसको हमको यहाँ पर स्पेयर चीप कनेक्टर को पंच कर देना है। ऐसे ही पंच किया हुआ मेरे पास एक पहले से था, इसलिए मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर देना है, तार को छील के नया कनेक्टर यहाँ पे लगा देना है। तो ये तो हो गया रेड वाला का, इस तरह से आप तैयार कर लेना रेड। ब्लैक वाले में भी ऐसे ही करना है, एक ब्लैक वायर ले लेना है, इसमें एक कनेक्टर यहाँ पर लगा दिया मैंने निगेटिव, और दूसरा में दूसरे में हमको ये वाला जो कनेक्टर है ये लगाने से पहले एक तार को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। जैसे ये भी ये आधा फिट का तार है, इसको भी हम लोग यहाँ पे, ये देखिए ये नेगेटिव वायर है, इसमें हमको यहाँ पर इस तार को छील देना है, छील के आपस में इसको ज्वाइन कर लेना है, देखिए इस तरह से कुछ। और यहाँ पर भी हमको एक थिम्बल लगा लेना है, थिम्बल बोलिए प्रोफेशनल लगेगा, देखिए ये थिम्बल इसको कहते हैं, 5 रुपये में 2 पीस मिल जाता है ये PVC इसका जैकेट के साथ, और इसी को पंच किया हुआ हमने। ये गोल्डन कलर का हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, इसके ऊपर की जैकेट ब्लैक हो सकती है, रेड हो सकती है, ब्लू, येलो, ग्रीन, किसी भी कलर की हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम दोनों ने इसको ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक फ्रेश स्पेयर क्लिप कनेक्टर मैं लगा देता हूँ। ये देखिए ब्लैक में भी ऐसा ही हमने किया है, ब्लैक में भी एक थिम्बल यहाँ जोड़ा है, एक यहाँ पर इस तरह से जोड़ के एक वायर निकाल लिया है, और यहाँ पर भी हम थिम्बल को इस तरह से प्लेस करके पहले इसका स्लीव ऐसे लगा देंगे ऊपर से प्लास्टिक का इस तरह से, और इस तरह का थिम्बल को यहाँ पर रख के, देखिए यहाँ पर रख दिया, और प्लास से लगा देंगे। घर पर ये आसानी से आप बिल्कुल बना पाइएगा, इसको कोई बनाने में रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से है। लेकिन यहाँ पे पंच में कर दिया हूँ, मार्केट में आप रेडीमेड लेने जाइएगा ये क्लिप कनेक्टर, ये पूरा रेडीमेड भी मिल जाता है, लेकिन वो यही आपको 100 रुपये का मिलेगा। लेकिन आप मेरे चैनल पे आए हैं इसीलिए ताकि आपके कुछ पैसे बच जाएँ, वैसे आप पैसे वाले हैं तो आप खरीद सकते हैं रेडीमेड डुअल हॉर्न कनेक्टिंग वायर। और देखिए अब यहाँ पे भी ये कनेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया, तो कुछ इस तरह से हम लोग को दोनों बना लेना है, देखिए इस तरह से बना लेना है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल एक लो टोन वाले हॉर्न में ये क्लिप लगा देनी है उसका पॉजिटिव, और एक हाई टोन वाले हॉर्न के पॉजिटिव में इसको लगा देना है, और ये तार एक निकल जाएगा। और इसको भी एक लो टोन वाले निगेटिव में से लगा देना है, और इसको हाई टोन वाले निगेटिव में से लगा देना है, ये दोनों इस तरह से हॉर्न में लग जाएगा जाके, और आपके पास दो इस तरह से वायर निकली हुई बचेगी। इसमें आपको ये एम कनेक्टर होता है, देखिए ये एम शेप का होता है, फ्लैट होता है, वो यहाँ पे पंच कर लेना है, पंच करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें इस तरह का ये एम कनेक्टर होता है, ये भी 5 रुपये में 2 मिल जाता है। अब इसको इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। अब इसको भी हमको कुछ नहीं करना है, इस तरह का ये स्लीव रहता है, इसको इस तरह से डाल के यहाँ पे इसको हमको पंच कर देना है, प्लास से दबा देना है, मतलब इस तरह से ये रेड में, देखिए इस तरह से मैं इस प्लास से इसको दबा लिया, देखिए बहुत आसानी से ये दब गया, देखिए हो गया। अब ये क्लिप निकलेगी नहीं, बहुत आसानी से ये देखिए बढ़िया सा हो गया है, थोड़ा सा और दबा देते हैं इसको ताकि निकले ना, और यहाँ पे इस तरह से इसको एक बार और दबा देंगे, ये क्लिप लग गई हमारी, यानी कि हमारी पॉजिटिव साइड में ये लो टोन और ये हाई टोन के पॉजिटिव में चला जाएगा, ये एक निकल जाएगा थिम्बल सा। और सेम इसमें भी ऐसे ही करना है, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। ये हॉर्न नंबर 1 है, ये हॉर्न नंबर 2 है, कंपनी हमें लो टोन वाला ही हॉर्न शुरू में देती है। तो हमें क्या करना है, इस प्लस से एक तार ऐसे निकला है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे जुड़ गया है इसके प्लस में, और इस प्लस पॉइंट से एक वायर निकल गया है इस तरह का स्पेयर कनेक्टर प्लस। यहाँ हाई टोन है, इसके निगेटिव से एक वायर निकला है ऐसे, और यहाँ निगेटिव में जुड़ गया है, और यहाँ से एक पॉइंट निगेटिव निकल गया है इस तरह से माइनस, और ये प्लस। यही चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है कि आप घर पर ही कैसे अपने दोनों हॉर्न के लिए कनेक्टर्स बना सकते हैं। ये देख लीजिए ये हमारा दोनों तैयार हो गया है, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, दोनों को कुछ इस तरह से ले लेना है, ये फर्स्ट वाले हॉर्न के प्लस माइनस में आपको लगा देना है, ठीक है, और ये जो है प्लस माइनस ये दूसरे वाले हॉर्न में ऐसे कनेक्ट कर देना है। ये दोनों हॉर्न कनेक्ट हो गया आपस में, ये फर्स्ट हॉर्न कनेक्ट हो गया, सेकंड हो गया, और इसको लाइन देने के लिए आपके पास इस तरह का ये स्पेड कनेक्टर मैंने दिखा दिया है कि है, तो वहाँ पर आपके प्लस माइनस गाड़ी में से पुराना जो कनेक्शन आप निकाले होंगे हॉर्न का, वहाँ से इस तरह का पॉइंट आपको कुछ निकलता हुआ मिलेगा। आपको क्या करना है, इसी पॉइंट में ये स्पेड कनेक्टर का इस तरह से ये प्लस, और इसी तरह से माइनस वाला भी वायर होगा, उसमें आपको ये स्पेड कनेक्टर कनेक्ट करके अंदर में लगा देना माइनस, बस हो गया। और आपका दोनों हॉर्न इसी वायर की मदद से बजने लगेगा,
स्पेशली अगर आपकी बाइक पल्सर वगैरह है 150 cc की थोड़ी हैवी वाली, तो आपको बिना हॉर्न रिले लगाए वहीं आपका हॉर्न दोनों अच्छे से बजने लगेगा। बस आपको एक एक्स्ट्रा हॉर्न खरीदने की जरूरत होगी, जो कि हाई टोन वाला खरीदिएगा कंपनी शुरू में। अगर सिंगल हॉर्न बाइक होती है तो लो टोन ही देती है, तो आप हाई टोन वाला बस जाके कहीं से भी हॉर्न खरीद सकते हैं। और आप घर में ही ये केबल बहुत सस्ते में, ये 5 रुपये इसका लगा, 5 रुपये इसका, 10 रुपये है, और इस्पेड कनेक्टर 5 रुपये, 5, 5, 10, 5, 15 रुपये में ये आपका कनेक्टर बन गया। और वायर आप 1 square mm या 0.75 square mm का यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, या सेम कलर का है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल लास्टिंग टेक ब्लॉग्स को जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। ये अमेज़ॉन पर भी आपको ये रेडीमेड रूट्स की या मिंदा की डुअल हॉर्न कनेक्शन वायर मिल जाएगी, पर मैं आपको बता दिया हूँ कि घर पर आप कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है इसको बनाना, तो आप भी बनाइए और अपने से कनेक्ट कर लीजिए। वीडियो देखने का धन्यवाद।